नमस्कार, मैं हूं विश्व अलंकार और अभी आप कैमरे पे देख रहे होंगे कि खेत में दूर हरियाली तो जरूर है लेकिन सामने बिल्कुल काला है। ये कैसे है और क्यों है और क्या ये किसी के लिए परेशानी का सबब है? इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज पहुंचे हैं हजारीबाग के बनादाग का ये रेलवे साइडिंग है और ये किसान हैं जिनके ये खेत हैं। इनके खेतों में ये क्यों कालापन है, क्यों ऐसा काला है, क्या है ये बताइए, काला क्यों है, क्या चीज़ है? हेलो, बताइए। तो उसमें से हम लोग को 2 एकड़ जमीन गया है सर, तो हम लोग को काला गया है। तो काला ऐसे ही हम लोग बहुत ऐसे ही कर रहा है। अच्छा, चल आपका ये इस इलाके में खेत है, कितना खेत आपका इस इलाके में, कितना रखा? मेरा 3 एकड़ गया है यहाँ पूरा। ये देखिए, यहाँ से देखिए वो जो टाँड है ना, वो पूरा टाँड जो वहाँ तक एकदम साइडिंग तक एकदम पूरा मेरा एक चक्के गया है पूरे, वो पूरा चल गया। 22 डिसमिल यहाँ कझुआ, 30 डिसमिल बारह कोनी गया है, उसमें 13 डिसमिल को अभी भी पैसा पेमेंट नहीं हुआ है। तो क्या सारा खेत आपका काला हो गया कि अभी कुछ बचा हुआ खेती हो रहा? कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं बचा हुआ, जो बता रहे ना उसमें कुछ में बचा। तो आप लोग तो दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कुछ धान लगा हुआ है, बस मान लें कि खाली 24 डिसमिल बचा हुआ है, 24 डिसमिल। इसमें तो धान हो जाएगा ना कि नहीं होगा? होगा, लेकिन वही जो काटेंगे ना तो बहुत लोग सब काला हो जाएगी। क्यों, किस लिए? ये जो गर्दा जो है ना, जो गर्दा उड़ता है ना, जो गाड़ी चलेगी चावल का धो के, तो कोयला का डस्ट में तो नियम है कि पानी पूरा ये किया जाए ताकि डस्ट नहीं हो, तो क्या ये सब होता है यहाँ पे? कपार होता है वो, सब कुछ नहीं सर। पैदा कहाँ कल नहीं पैदा होगा, कहाँ से जब होगा ना करेगा तो पैदा कहाँ होगा? कितना खेत आपका, कितना खेत? मेरा 2.5 एकड़ अपना हिस्सा में सब सब पूरा ऐसे नुकसान हो गया, डस्ट जमा हो गया है, हम लोग का जीना मुश्किल है और ऐसे कोई तरह का हम लोग का मुनाफा खेत का नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, आज से कितने साल पहले ये सब ठीक ठाक था तो कितना कमा लेते थे? पहले कमाते थे, जब से साइडिंग चालू है तब से ही खेत हमको 1 रुपया छोड़ना पड़ा और 1 रुपया का मुनाफा नहीं मिल रहा है सर। तो कभी मुआवजे की बात के लिए कंपनी से इन लोगों से बात किया कभी, कुछ हुआ? बहुत बार हम लोग बहुत बार ऐसे बात किए हैं, गाड़ी भी जाम किए हैं तो पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। हम लोग एक बार छोड़ के दो बार गाड़ी जाम किए हैं, रोड जाम हुआ था। खरीप बोल रहा है कि सुनवाई होगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं किया गया। अच्छा, एक चीज बताइए, इस इलाके में अभी एकाएक कई बार लोग आते हैं, आप लोग से भी बात करते होंगे, कंपनी से भी बात करते होंगे, बड़ी लोग यहाँ आते हैं, कोई फायदा हो रहा है इससे किसान को? फायदा है इससे किसान का, फायदा नहीं हो रहा है। अब मनीष जसवाल, कल हम सुने मोबाइल में कि 255 हम लोग को मुआवजा दे दिए हैं और 1 पैसे किसी को नहीं मिला है। तो नहीं तो वो तो कह रहे हैं, चाहे आप कह रहे हैं कि मुआवजा मिला तो फिर किसको मिला? और भी तो लोग हैं, तो ज़्यादा लोग, किसी को नहीं मिला है सर। दलाल खा रहा है सर, हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला जो है ना, सब दलाले पैसा खा रहा है, 1 रुपया नहीं मिला है किसान को नहीं। तो इस मामले में मान लीजिए अगर आपको मुआवजा लेना है तो मुआवजा तो देगा कंपनी वाले, इसमें कोई नेता या यहाँ के विधायक है उनको क्या मतलब है? नहीं सर, उसको कोई मतलब नहीं। तो फिर आपको, आप तो अपने जगह से ना मुआवजा के लिए कहते, क्यों आखिर बीच में सारे नेता लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? पता नहीं, खाने के लिए करते हैं, पैसा खाने के लिए। आप क्या चाहते हैं बताइए? हमको बस मुआवजा चाहिए। कितना, किस तरह, क्या तय किया आप लोग? मेरा जमीन मतलब पूरा दिक्कत हो गया सर, धान दब गया, देखिए सामने पड़ा हुआ। तो जैसे आप लोग कुछ तय किए होंगे ना ग्रामीणों लोग, मान लीजिए कि 1 कट्ठा जमीन है तो इसमें कितना मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे 1 एकड़ है तो कितना, कुछ ऐसा आप लोग नियम बनाया है? नियम नहीं बना, हम लोग को चुपे कोई बनाया होगा तो हम नहीं जानते हैं। आप लोग तो आपका मान लीजिए अगर 1 कट्ठा जमीन गया तो आप कितना मुआवजा मांगिएगा? कितना मांगेंगे? दो फसल जो पैदा होता है सर, बस हम वही खरीद। अच्छा, यहाँ आपका 2 फसल होता है? हाँ, 2 फसल होता है। अगर थोड़ा सा समझाइए कि मान लीजिए अगर 1 कट्ठा जमीन है जी सर आपके पास, हाँ, तो 1 साल में उस 1 कट्ठा जमीन से आप कितना पैसा कमा लेते हैं? 10,000 कमाते हैं 1 कट्ठा में। हम लोग 10,000 कमाते हैं 1 सीजन में सर, और दूसरा सीजन फिर पैदा करते हैं गेहूँ, उसमें भी कमाते हैं सर। तो मान लीजिए हम 15 मान लेते हैं, तो 15,000 यानी कि अगर किसी का 1 कट्ठा जमीन है तो उसको 1 साल में कम से कम 10 से 15,000 रुपये मिलना चाहिए जी सर। हाँ, 10 से 15,000 मिलना चाहिए सर, तब ये ठीक। हाँ, तब तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, मान लीजिए इस पर बात हुआ कि बहुत ज्यादा, इतना पैसा कहाँ से देंगे तब?
सर उतना नहीं मिलेगा फिर हम बाल बच्चा कैसे पालन पोषण होगा सर? तो ये देखिए यहाँ पे असल में हुआ क्या है कि ये जो रेलवे का साइडिंग है यहाँ पे NTPC की जो सहायक कंपनी एक है, एक सैनिक जो ये कंपनी है वो यहाँ पे साइडिंग का ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है। ट्रांसपोर्टिंग जो है वो किसी दूसरे कंपनी को दिया गया है पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे, जो यहाँ पे कोयले की ढुलाई करती है, क्योंकि अभी तक कन्वेयर बेल्ट से कोयले का यहाँ पे आना शुरू नहीं हो पाया है। और चूंकि इधर से ट्रक गुजरता है तो उससे डस्ट उड़ता है। बारिश के दिनों में यही डस्ट इन जो सड़क पर जमा था वो बहकर इनके खेतों में आ गया। तो आसपास के जितने भी खेत हैं उसमें ये डस्ट भर गया है। 3-3 इंच, 6-6 इंच, 10-10 इंच, 1-1 फुट तक गंदगी कोयले का जो डस्ट है वो भरा पड़ा है। इस कारण से खेती नहीं हो पा रही है। मामला बस इतना है, लेकिन इसी मामले में पूरी तरह से इस इलाके में राजनीति हावी है। कई दलों के लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं, कोई मुआवजा देने की बात करता है, कोई मुआवजा नहीं मिलने की बात करता है, और ये रस्साकसी लगातार इस क्षेत्र में जारी है। इस रस्साकसी में पिस रहे हैं वो किसान जो जिनको ज़रूरत है मुआवजे की, जो सही में इसके हकदार हैं, लेकिन नेताओं के लगातार बोल चाल में, बातचीत में, भाषणों में दब के रह गया है। तो किसानों की जो सच्चाई है, किसानों का जो बात है, किसानों की जो मांग है वो दबकर रह गया। विस्मय अलंकार लगातार नोटिंग। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।